अयोध्या नगरी में एक बार सभी मुख्य भक्तों के बीच गोष्ठी हुई। सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम सभी सेवा करते हैं रामचंद्र जी के आसपास कुछ क्षणों के लिए, फिर अब दूसरे कार्य में लग जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो निरंतर रामचंद्र जी के सानिध्य में ही रहते हैं, वो है हनुमान जी। हमें कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे बाकी सबको भी सेवा का अवसर मिले। ये विचार करके उन्होंने एक स्केड्यूल बनाया और उसके अंतर्गत हनुमान जी को कोई सेवा नहीं बची। हनुमान जी परेशान हुए और लक्ष्मण जी से कहने लगे, ये क्या, ये किस तरह का आपने एक स्केड्यूल बना दिया जिसमें मेरे लिए कोई सेवा का अवसर नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भरत महाराज का आदेश है, जैसा आदेश हुआ है हम सभी वैसा करेंगे। तो हनुमान जी कहने लगे, ठीक है, मेरे लिए कोई सेवा नहीं बची, लेकिन एक सेवा अभी भी रह गई। लक्ष्मण ने कहा, क्या? हनुमान जी कहते, जब रामचंद्र जी जम्हाई लेते हैं तब उस समय चुटकी बजाने वाला कोई नहीं, वो सेवा मैं करूंगा। लक्ष्मण हंसने लगे, उनको लगा ये तो बेवकूफ की बात है, इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं, करने दो उसको। जैसे अनुमति मिली, दिन रात हनुमान जी रामचंद्र जी के कक्ष में ही बैठते और बाहर निकलने का नाम ही नहीं। प्रश्न पूछे जाने पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि देखिए, प्रभु रामचंद्र जी कब जम्हाई लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि निरंतर रामचंद्र जी के निकट सानिध्य में रहूं, कि जैसे ही जम्हाई ले मैं चुटकी बजाऊं। इसलिए बाकी लोग आए जाए लेकिन मैं यहां से हिल नहीं सकता। तो सभी भक्त लोग परेशान हो गए, बोले अभी करें तो क्या करें। तो सबने मिलकर हनुमान जी को कहा कि नहीं, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, आपको बाहर जाना होगा। हनुमान जी बाहर जाकर बैठ गए। कुछ समय के पश्चात सभी ने देखा कि रामचंद्र जी बड़ा ही आश्चर्यजनक व्यवहार कर रहे हैं। क्या? रामचंद्र जी निरंतर जम्हाई ले रहे हैं और जम्हाई लेते लेते उनके जबड़े भी अटक गए। तब बाहर जाके देखा कि हनुमान जी बैठकर राम नाम लेते लेते चुटकियां बजा रहे हैं। तो तुरंत समझ गए, क्योंकि हनुमान जी की सेवा करने की इच्छा इतनी तीव्र थी, हनुमान जी के हृदय के वास्तविक शक्तिशाली सेवा भाव ने रामचंद्र जी के व्यवहार को परिवर्तित कर दिया और वो जम्हाई लेने लगे। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा सेवा भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और रामायण में हनुमान जी के ये चार मुख्य गुण बताए गए हैं। प्रथम धृति, दूसरा दृष्टि, तीसरा मति और चौथा दक्षता। ये हनुमान जी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और इसके कारण चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, हनुमान जी की चेतना सेवा भाव से निरंतर उमड़ते हुए वो रामचंद्र जी की सेवा करके ही रहते थे।